बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ पिटा पॉकेट्स की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। शॉर्मा भी आप इसको कह सकते हैं, काइंड ऑफ जिस तरह से शॉर्मा होता है बिल्कुल उसी तरह से पिटा पॉकेट्स जो है शॉर्मा ही की जितनी भी रिक्वायर्ड मटेरियल है सारा पिटा ब्रेड के अंदर असेंबल करके पॉकेट की शेप में प्रेजेंट किया जाता है। लाइक पिटा पॉकेट्स को रोस्ट करने के बाद उसके दरमियान में स्लिट करके काट के उसके अंदर फिलिंग की जाती है, बट मैंने इसको इसके टॉप पर ही असेंबल किया है जस्ट इन अ पॉकेट शेप। आई होप आपको पसंद आ जाए। तो बनाना इसका बेहद इजी है, बेहद आसान है। तो आइए चल के देखते हैं और बनाते हैं आज की बेहतरीन सी इजी सी और आसान सी ये रेसिपी। इसके लिए हमने चिकन को रोस्ट नहीं किया है बिल्कुल भी। हमारे साथ पहले से एक रोटिसरी चिकन थी, तो रोटिसरी चिकन का जो ब्रेस्ट वाला पार्ट है उसको अच्छी तरह से हमने श्रेड करके आगे फर्दर बताते हैं। काइंड ऑफ लेफ्ट ओवर रोटिसरी चिकन या रोस्टेड चिकन या किसी भी किस्म का चिकन अगर आपके पास बच जाए तो ये एक किस्म की रेसिपी है। लेफ्ट ओवर चिकन से आप इसको बना सकते हैं। तो ब्रेस्ट वाले पार्ट से मैंने यहाँ पे गोश्त लिया है और इसी को अच्छी तरह से मैंने श्रेड करना है अभी। तो श्रेड कर लेने के बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है हमने। चिकन हमारा बेहतरीन सा श्रेड हो चुका है। फर्दर हमने इसको रोस्ट करना है, हल्का सा इसको तवे पे फ्राई करना है। बेहतरीन सा पैन फ्राई भी आप कर सकते हैं, अवन में भी आप इसको पका सकते हैं फॉर 10-15 मिनट्स तक। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने बड़ा सा एक तवा लिया है। सबसे पहले मैं अपने शॉर्मा ब्रेड को रोस्ट कर लूँगा। तो दोनों तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट कर लेने के बाद हम अपने चिकन की तरफ आ जाते हैं, शॉर्मा के चिकन की तरफ। 2 टेबल स्पून के आसपास मैंने लिया है यहाँ पे ऑयल, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है चॉप्ड लहसुन, चॉप्ड गार्लिक और चॉप्ड जिंजर मैंने अराउंड 1/2 टीस्पून के करीब जो है वो शामिल किया है। अच्छी तरह से इसको रोस्ट करना है और इसके बाद हमने इसमें अपना चिकन जो है वो शामिल कर लेना है, क्योंकि जो शॉर्मा का चिकन होता है वो कैरमलाइज्ड जो है वो फ्राइड होता है, ग्रिल हुआ होता है। ठीक है जी। जो आउटर पार्ट होता है ग्रिल चिकन का उसी को काट के और उसी को जो है वो मैश करके श्रेड करके जो है वो फिलिंग की जाती है शॉर्मे के अंदर या पिटा पॉकेट्स के अंदर। तो ये हमने जो श्रेडेड चिकन लिया था इसी को अब हल्का सा हमने रोस्ट करना है ताकि थोड़ा सा कैरमलाइज हो जाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अराउंड 1 टू 2 टेबल स्पून के आसपास मैंने यहाँ पे कैबेज लिया है, स्लाइस कैबेज जो बंद गोभी होता है। ठीक है जी। आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं इसको। और उसी के साथ हल्का सा तकरीबन 30 सेकंड्स या 50 सेकंड्स तक सॉटे कर लेने के बाद अब मैं इसमें थोड़े से सॉसेस ऐड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे 2 से 3 टीस्पून के आसपास मैंने शामिल किया है क्रीम, कुकिंग क्रीम मैंने शामिल की है, मेयोनीज भी आप ले सकते हैं। ठीक है जी। ये बारबेक्यू सॉस है, अराउंड 1 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है। 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे शामिल किया है सोया सॉस और 1 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है चिली सॉस। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है और जब तक हमारा चिकन कैरमलाइज नहीं होता तब तक हमने इसको कुक करना है। इट प्रॉबेबली टेक अराउंड 8-10 मिनट्स हल्की आंच पे, हल्के फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है अनटिल एंड अनलेस तमाम सॉसेस चिकन के साथ एकजान हो के पक जाएं, तब हम इसकी जो है वो असेंबलिंग करते हैं पिटा ब्रेड के साथ। ठीक है जी। तो मिलते हैं 10 मिनट्स में।
चिकन को उलट पुलट करते जाना है ताकि नीचे तवे पे पैन पे जो है ये लगे नहीं। अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है, कंटिन्यूसली स्टर करते जाना है और जब तक कैरमलाइज नहीं होता तब तक हमने इसको कुक करना है। आपको जिस तरह का चाहिए आप उसी तरह से फिलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा चाट मसाला अपनी तरफ से थोड़ा सा तड़का देने के लिए, टेस्ट को थोड़ा सा चटपटा करने के लिए मैंने यहाँ पे चाट का मसाला ऐड किया है। आप इसको स्किप कर सकते हैं, दिस इज़ टोटली ऑप्शनल। ठीक है जी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं चाहे तो स्किप कर सकते हैं, आप अपने मर्ज़ी के मालिक हैं खुद। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे चिकन को सॉसेस के साथ कुक करते हुए लगे हैं। एंड राइट नाउ दिस इज़ द राइट राइट टाइम पे इसको चिकन को साइड पे कर लेना है। फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑफ, साइड पे मैं अभी यहाँ पे वेजेस को तो फ्रेश नहीं रख सकते हैं क्योंकि नीचे से जो हमारा पैन है तवा है हीटेड है, गर्म है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर ही अपने जो है वो वेजिटेबल्स को रख लेता हूँ और अपने शॉर्मा पॉकेट्स को पीटा पॉकेट्स को असेंबल कर लेते हैं। वेजेस को मैंने टू ग्लास पानी को हल्का सा गर्म करके और 2 टेबलस्पून सिरका डाल के तमाम वेजेस को मैंने उसके अंदर सोक किया था फॉर अराउंड 30 मिनट्स और अब इसको असेंबल करते हैं। काइंड ऑफ पिकल्ड वेजेस है हमारी ये, तो ये रहा हमारा पीटा ब्रेड। इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ बहुत जल्द। तो ये जो है वो ताहिनी सॉस मैंने लगाया है इसके ऊपर, गार्लिक मायो भी आप ले सकते हैं। मैंने मायोनीज़ ताहिनी सॉस और गार्लिक को मिक्स करके फर्स्ट लेयरिंग पे किया है, उसके बाद अपने चिकन को मैंने यहाँ पे फिल किया है। साथ में ये आइसबर्ग या लेटिस लीव्स जो आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिशनली आइसबर्ग इसके साथ यूज़ किया जाता है, उसके साथ थोड़े से कैबेज स्लाइस, थोड़े से अनियन और थोड़े से यहाँ पे पेपर्स जो है वो मैंने ऐड किए हैं और थोड़े से टॉप पे जो हमारा मायो गार्लिक ताहिनी सॉस है वो मैंने लगाया है, शामिल किया है। अगर आपको चिली सॉस पसंद है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। हमारा चिकन ऑलरेडी स्पाइसी है सो दैट्स वाई आई एम नॉट गोना यूजिंग दैट। सो अभी जो है बटर पेपर से आप इसको कवर कर सकते हैं बाहर से, एल्युमिनियम फॉइल से भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने फॉइल में कवर करके अब इसको सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है हमारी पीटा पॉकेट्स, शॉर्मा भी आप इसको कह सकते हैं। शॉर्मा को थोड़ा सा रोल करके जो है वो सर्व किया जाता है और पीटा पॉकेट्स को बिल्कुल इसी तरह से जो होते हैं टाकोस शेप में पॉकेट्स की तरह इसको जो है वो सर्व किया जाता है। ठीक है जी, तो आप ये रेडी हो चुके हैं। दूसरे पीटा पॉकेट्स की फिलिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसी तरह से तमाम की फिलिंग जो है वो हमने कर देनी है और झटपट इसको कर देना है सर्व। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ गई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं फर्दर, और आपके सपोर्ट का बहुत शुक्रिया अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं। और अगर आप इसको ट्राई करें तो काइंडली अपने फीडबैक से लाजमी आगाह कीजिएगा कि आपके फैमिली फ्रेंड्स और आपके टेस्ट बर्ड्स को हमारे तरीके से बनाए गए पीटा पॉकेट्स और शोरमा की रेसिपी कैसी लगी है। ठीक है जी, तो लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास रोस्टेड चिकन नहीं है, लेफ़्ट ओवर चिकन है, तो आप उसको इसी तरह से यूज़ कर श्रेड करके यूज़ कर सकते हैं, नहीं है तो चिकन के पार्ट से ब्रेस्ट के पीस या जो भी आपके पास है वो लेके उसको बॉईल करके श्रेड करके इसी तरह से तवे पे आप इसको फ्राई करके बना सकते हैं। ट्रेडिशनली शॉर्मा की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा इंशाल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आ गई होगी। अपना और अपने फैमिली वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।